नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 20 वर्सेस वीवो V21 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो H20 में 6.42 इंच जबकि Vivo V21 5G में 6.28 इंच की लेंथ मिलती है जो कि H20 से कम है। विड्थ की बात करें तो H20 में 2.99 इंच जबकि Vivo V21 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है जो कि H20 से कम है। बात करें थिकनेस की तो H20 में 0.27 इंच जबकि Vivo V21 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि H20 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो H20 में 163 ग्राम जबकि Vivo V21 5G में 176 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि H20 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो H20 में OLED जबकि Vivo V21 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो H20 में 6.7 इंचेस जबकि Vivo V21 5G में 6.44 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन H20 में 1080x2400 और Vivo V21 5G में 1080x2404 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो H20 में 87.49% जबकि Vivo V21 5G में 84.9% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो H20 में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Vivo V21 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो H20 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo V21 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो H20 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo V21 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो H20 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Vivo V21 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो H20 में Adreno 642L जबकि Vivo V21 5G में Mali-G 57MC3 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो H20 में Qualcomm Snapdragon 778G और Vivo V21 5G में MediaTek Dimensity 800UMT6853V मिलता है। बात करें RAM की तो H20 में 8GB की RAM मिलती है जबकि Vivo V21 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो H20 में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Vivo V21 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो H20 में नहीं है जबकि Vivo V21 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 4000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो H20 में 2 कलर्स जबकि Vivo V21 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो H20 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Vivo V21 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 29,990 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 32,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Vivo V21 5G आगे है, मेन कैमरा में H20 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Vivo V21 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y72 5G है जो कि 20,990 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy M52 5G है जो कि 25,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo IQOO Z3 है जो कि 22,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V21e 5G है जो कि 22,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।